आप सभी का स्वागत है यू के के जो लेक्चरर सीरीज है फॉर फिज़िक्स लेक्चर लेक्चरर के लिए जो लेक्चर सीरीज चल रही है यहाँ पे तो इसमें जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस बनाया था तो इसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं लेके आऊँ मैग्नेटिक फील्ड के जो कंसेप्ट बेस डायरेक्टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं तो इस लेक्चर में इन पे हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म से ठीक है इसके प्रीवियस लेक्चर पे इनकी पूरी थ्योरी मैंने अपलोड की है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो देखिएगा पहला क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं अ चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आपसे बस इनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं पहला कहता है इट्स मोमेंटम चेंजेस बट टोटल एनर्जी रिमेंस द सेम सेकेंड बोथ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेंस द सेम थर्ड ऑप्शन बोथ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी चेंज फोर्थ ऑप्शन टोटल एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेंस द सेम तो जिन्होंने सेल्फ से प्रिपरेशन की है वो भी डायरेक्ट बताएंगे और जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो कि मैग्नेटिज्म जीरो वन करके मैंने डाला हुआ है अगर उसको देखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं अगर जो नए सिरे से एकदम बेसिक से जो तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये है वीडियो मैंने अब ऐसे कोशिश की ऐसे बनाने की तो जिन्होंने अगर आपने देखा हुआ है उस लेक्चर को मैंने वहीं पे डिस्कस कर दिया था तो क्या आंसर होगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ क्या होता था सर्कुलर पाथ होता था मैंने आपको बताया था अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर अगर मूव करता है ठीक है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा अगर इसके 90 मूव कर रहे हैं तो इसका सर्कुलर पाथ बनता था ठीक है उसमें इसकी स्पीड जो रहती थी ध्यान दीजिएगा अभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा स्पीड कॉन्स्टेंट रहती थी लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता था ये हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती थी ये क्या होती थी चेंज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता था कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी क्या होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन स्पीड तो कांस्टेंट है अगर टू मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो टू मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा फॉर एग्जांपल लेकिन डायरेक्शन में चेंज होने के कारण इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है चेंज वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा चेंज तो पहली बात मोमेंटम तो चेंज होता है साथ में लेकिन एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला मैंने बताया था के इक्वल टू आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन टू एम तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती थी एक चार्ज पार्टिकल के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पहले भी प्रूफ करा था तो टोटल एनर्जी क्या रहती है सेम क्यों तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे आर कांस्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड पे जाने पे बदल नहीं जाएगा मास पे उसका कोई चेंज आएगा नहीं तो टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट बट मोमेंटम चेंजेस तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिए ऐसे ही यहां पर अब हमारा है क्वेश्चन नंबर टू इसमें क्या कह रहा है दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर टू अब पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू एंड काइनेटिक एनर्जी टी देखिए उसके काइनेटिक एनर्जी को उसने के से डिनोट ना करके टी से डिनोट कर दिया है काइनेटिक एनर्जी टी एंटर्स अ ट्रांसफर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी आफ्टर थ्री सेकेंड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी देखिए क्या कह रहा है कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है द्रव्यमान m है उसका आवेश q है और उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी टी है एक ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिस जो कि बी उसका इंटेंसिटी है तीन सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये था आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन टू एम ठीक है या तो इस फॉर्मूले में कहीं पर क्या टाइम का कोई फॉर्म टाइम का कोई फंक्शन है टाइम कहीं पर है ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती यानी कांस्टेंट बनी रहती है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बात करी थी तो ऐसे ही इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर स्टार्टिंग में टी है तो अभी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी टी ही रहेगी क्योंकि तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री यहां पे क्या कह रहा है आप देखिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड भी द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक सर्कल पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है और उस पर कॉन्स्टेंट स्पीड भी से वो मूव कर रहा है स्पीड कॉन्स्टेंट है उसकी द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, ठीक है तो यानी कि उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन भी एंड नॉट ऑन आर डिपेंड्स ऑन बोथ भी एंड आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड भी देखिए यहाँ आर और भी दे दिया आगे पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिपेंड्स ऑन आर एंड नॉट ऑन भी यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है 90 डिग्री पे तो उसका पाथ सर्कुलर होता है तो सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है वो उस पर कॉन्स्टेंट स्पीड भी से मूव कर रहा कह रहा है तो उसका टाइम पीरियड इनमें से किस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है ये आपसे पूछा है तो आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये सारा सब कुछ वहाँ पे बता दिया है उस लेक्चर पे बेस में क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था T इक्वल टू टू पाई एम अपॉन बी क्यू मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड यहाँ से क्या रहता है हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है ये आपको लेक्चर में बताया था टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट अगर आप स्पीड को डबल भी कर देंगे अगर नई स्पीड टू भी हो जाएगी अगर कोई चार्ज पार्टिकल पहले टू मीटर पर सेकेंड से जा रहा था सपोज अब वो फोर मीटर पर सेकेंड से जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा तो फार्मूला कहता है कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ अगर ये भी कहता कि पहले वो एक स्पीड भी से मूव कर रहा था अब उसकी स्पीड को बढ़ा के डबल कर दिया गया इफ द स्पीड इज डबल देन टाइम पीरियड ठीक है तो टाइम पीरियड कभी भी पे भी डिपेंड नहीं करता है एक तो इसमें भी भी, 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 दिपे भी नहीं है स्पीड का कोई फार्मूला नहीं है इसमें दूसरा देखिए इसमें कहीं पर क्या आर है इस फॉर्मूले में रेडियस आर भी इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता है बी और भी यानी कि आर और भी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था रेडियस बढ़ जाती है आर इक्वल टू तो एम भी अपॉन बी क्यू अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी डबल हो जाएगी लेकिन उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा मैंने आपको लेक्चर में समझाया था अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो बड़े वाले सर्कल में घूम के आ जाएगा रेडियस बढ़ा देगा पहले मान लीजिए भी स्पीड से अगर वो इस सर्कल पर मूव कर रहा था ठीक है आर रेडियस के सर्कल पर मूव कर रहा था आपने स्पीड को और इसमें इसका टाइम पीरियड टी था ठीक आपने स्पीड को डबल कर दिया स्पीड को डबल करोगे तो टाइम पीरियड ये क्या करता है रेडियस को डबल कर लेगा ये, आर को ये शायद ज़्यादा दिख रहा है फिगर में लेकिन रेडियस को क्या कर लेगा अपना मान लो भी को फोर टाइम्स कर दिया तो इसने रेडियस देखो अपनी बढ़ा दी फोर टाइम्स लेकिन रेडियस को बढ़ाया तो इसको इसमें घूमने में भी तो टाइम बढ़ जाएगा स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या होगा ज्यादा लगेगा सॉरी स्पीड अगर उसने बढ़ा दी है अपनी तो रेडियस बढ़ गई लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट ही रहता है कहने का मतलब पहले वो दो मीटर पर सेकेंड से इसमें जा रहा था मान लो यहाँ पे पहुँचा हमारे पास चार सेकेंड में हमने खाली बोल दिया है इसे ठीक है एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपने चार मीटर पर आठ मीटर पर सेकेंड से तब भी ये चार सेकेंड में ही पहुँचेगा क्यों तो वो अगर स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो रेडियस अगर वही रह जाएगा तो उसका टाइम पीरियड डिक्रीज नहीं हो जाएगा जल्दी पहुँच जाएगा वो टाइम अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो रेडियस भी बढ़ा देता है वो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे वो क्या कहेगा बड़ी लंबा सा राउंड मार के आ जाएगा ऐसे करके और टाइम उतना ही लेगा यहाँ पहुंचने में तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैं लेक्चर में स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ जो थियोरिकल लेक्चर है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है तो इसका आंसर हमारा क्या है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड भी देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन वेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो नीचे जो भी हमारे पास चार ऑप्शन हैं इनमें से किस पार्टिकल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम आवृत्ति होगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेम वेलोसिटी से आपके मूव uh, करते हैं ठीक तो देखिए फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है तो फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म आएगा हमारे पास वो क्या होता था अभी देखिए टाइम पीरियड मैंने आपको बताया टी इक्वल टू होता है टू पाई एम अपॉन बी क्यू तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी ये आपको याद होगा इसका रेसिप्रोकल बी क्यू अपॉन टू पाई एम तो फ्रीक्वेंसी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी चाहे आप सेम स्पीड से फेंको चाहे डिफरेंट स्पीड यहाँ पे अगर स्पीड डबल कर दें या डिफरेंट स्पीड जो भी कहते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है फ्रीक्वेंसी भी आपकी कांस्टेंट बनी रहती है जैसे टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है ठीक है अब क्या होगा यहाँ से देखिए बी क्यू अब देखिए चार्ज सबसे पहले अगर हम चार्ज से बात करें न्यू यहाँ से एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के और न्यू यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ पार्टिकल तो चार्ज पे सबसे पहले देखें तो चार्ज लगभग सबका सेम है देख लीजिए आप ये वन पॉजिटिव वही प्रोटॉन के इक्वल चार्ज हो जाएगा एच ई वन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो बराबर होता है मास डिफरेंट होता है समझ रहे तो यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है इसमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो चार्ज पे तो डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए क्योंकि तो चार्ज सबके सेम है समझ रहे हैं तो अब किससे जाना हमें पड़ेगा हमको आंसर के लिए मास से जाना पड़ेगा तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी तो इनमें से किस सबसे ज़्यादा मास किसका हो जाएगा एल आई पॉजिटिव तो इसलिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल आई पॉजिटिव अगर इसी में कह देता सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी तो फिर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी होगी जिसका मास इनमें सबसे कम होगा तो अब इनमें सबसे कम मास किसका होगा इलेक्ट्रॉन का नाइन पॉइंट वन इंटू टू दी माइनस थर्टी वन के जी तो मास तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो ध्यान देना हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एल आई पॉजिटिव अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन विथ इक्वल मोमेंटम ये मेन चीज यहां पर है विथ इक्वल मूवमेंटम एंटर परपेंडिकुलरली इंटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन इक्वल मूवमेंटम यानी कि समान संवेग से किसी चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं प्रवेश करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है द पाथ ऑफ प्रोटोन सेल बी मोर कर्ब्ड देन दैट ऑप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पाथ इलेक्ट्रॉन के पास से ज़्यादा कर्व होगा ज़्यादा वक्राकार होगा यानी कि उसकी रेडियस ज़्यादा होगी कहने का मतलब पाथ ऑफ प्रोटोन सेल भी लेस कर्व्ड देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के पाथ पथ की त्रिज्या उसकी रेडियस कम होगी इलेक्ट्रॉन से ये कहने का मतलब है बोथ आर इक्वली कर्व्ड मीन्स दोनों का वक्र कर्व बराबर होगा मीन्स इक्वल रेडियस फॉर्म करेंगे और फोर्थ है पाथ ऑफ बोथ विल बी स्ट्रेट लाइन तो पहली बात अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन का तो मतलब ही नहीं होता है सर्कुलर पाथ बनता है तो रेडियस वाला टर्म आएगा इनमें से कोई सही होगा तो ध्यान दीजिएगा मैं जो प्रीवियस वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स वाली उसमें मैं बोथ सेम मोमेंटम सेम वेलोसिटी सेम काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व करा चुका हूँ फिर से एक बार देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था एम अपॉन बी क्यू तो इसको हमने लिखा था पी अपॉन बी क्यू एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख दीजिए आर पी के लिए आर पी बी क्यू पी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको बी पी बी ई लिखने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए आर ई के साथ रेशियो निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा आर ई अपॉन बी क्यू ई ठीक है नहीं नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने प्रोटॉन ये मैं, आर पी नहीं सॉरी ये यहाँ पर था मोमेंटम तो पी प्रोटॉन का मोमेंटम यहाँ पी अपॉन बी क्यू तो पी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सॉरी अब देखिए बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से क्या बचा हमको क्वेश्चन में दिया है बोथ सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं एक तो प्रोटॉन का मोमेंटम इक्वल टू तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दूसरा हम जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन द माइनस नाइनटीन कुल होम बेसक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है प्रोटॉन का पॉजिटिव लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है तो हम लिख सकते हैं क्यू पी बराबर क्यू ई मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ठीक तो ये अगर पी पी और पी बराबर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्यू पी से क्यू ई भी कैंसिल तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा आर पी अपॉन आर ई इक्वल टू वन यानी कि आर पी इक्वल टू आर ई दोनों की रेडियस क्या होगी इक्वल होगी अगर वो इक्वल मोमेंटम से मूव कर रहे हैं इसी केस में क्यों हो? तो इसलिए अगर इक्वल मोमेंटम से मूव करें तो इसमें से दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोथ आर इक्वली कर्व्ड अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहां पर ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है के बी एस पी जी टी फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा आप ठीक है ये सब पी वाई क्यू हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट हैं और लेक्चरर एग्जाम में ही आए हुए हैं विशेषकर तो देखिए क्या कह रहे हैं अ प्रोटोन इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी टेन टू द पावर सेवन मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक हो गया ऑफ इंडक्शन हंड्रेड मिली टेस्ला द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू ट्रेवर्स 90 डिग्री आर्क एज और प्रोटॉन का मास दे दिया है 1.65 पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी ठीक है तो देखिए क्या कह रहा है प्रोजोन प्रोटोन इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी टेन टू द पावर सेवन मीटर पर सेकेंड पहले हमको दिया क्या क्या है v आपको दिया है टेन टू द पावर सेवन मीटर पर सेकेंड राइट एंगल पे जा रहा है तो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा इतना आप समझ लीजिए राइट right एंगल पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो सर्कुलर पाथ इसने बनाना ही बनाना है जिसकी रेडियस सपोज आर है अब क्या कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी आपको दे रखा है हंड्रेड मिली टेस्ला मिली मीन्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री कर दीजिए हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस थ्री टेस्ला आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी तेज होनी चाहिए यहाँ पे मैं पूरा समझाते हुए सॉल्व करा रहा हूँ द टाइम टेकन बाई द प्रोटोन टू ट्रेवर्स नाइनटी डिग्री आर्क देखिए मानो प्रोटॉन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से 90 डिग्री आर्क मींस जब वो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चले जाए पी पॉइंट से P डैस पे चले जाए प्रोटॉन तो यहाँ से यहां तक में जाने में कितना टाइम लगेगा उसको ये आपको बताना है तो देखिए सीधी सी बात टाइम कितना लगेगा सबसे पहले टाइम इक्वल टू क्या होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा पहले डिस्टेंस निकाल लो तो डिस्टेंस कितना होगा पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये ये पूरा डिस्टेंस तो टू पाई आर कवर करेगा टू पाई आर का फोर टाइम्स अगर मैं बात करूँ पहले केवल डिस्टेंस बताऊँ तो टू पाई आर टोटल डिस्टेंस का फोर टाइम्स तो यानी कि पाई आर अपॉन टू तो यहाँ तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमसे टाइम पूछा है तो टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड किस स्पीड से मूव कर रहे हैं वी स्पीड से क्यों तो वी का कॉन्स्टेंट रहता है तो देखिए क्या बन जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है पाई आर अपॉन टू अपॉन स्पीड भी अपॉन में इसके भी करो तो भी, भी यहीं पर आ जाएगा इतना आप लोग जानते हैं तो इतना टाइम उसको लगना है टी इक्वल टू पाई आर अपॉन टू भी अब देखिए भी हमको दिया है आर नहीं दिया है तो आर को भी मैं भी के टर्म में चेंज करूँगा फॉर्मूले को तो अब ये आर कितना होता है इसका इस समय आर का फॉर्मूला आपको याद होगा आर का फॉर्मूला होता है एम भी अपॉन बी क्यू तो आर की जगह पर आप एम भी अपॉन बी क्यू रखिए तो क्या बन रहा है देखिए टी इक्वल टू पाई अपॉन टू भी तो ऐसे ही रहा आर की जगह पर क्या रखना है एम भी अपॉन बी क्यू तो भी से भी कैंसिल तो टी इक्वल टू क्या बनना पाई एम अपॉन टू बी क्यू देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है वो आपको न्यूमेरिकल ना दे वो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक प्रोटॉन भी स्पीड से अ प्रोटॉन हैविंग चार्ज क्यू इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सम डेफिनेट स्पीड वी एंड देन द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू ट्रेवल 90 डिग्री आर्क वहाँ कुछ ऐसे ऑप्शन हो जाएंगे पाई एम अपॉन बी क्यू टू पाई एम अपॉन बी क्यू टू बी क्यू तो न्यूमेरिकल ने दिया होता इस टाइप से दिया होता तो उस समय टू बी क्यू ये ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है अब न्यूमेरिकल है तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए पाई अब इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी क्या हो जाएगा मेरे पास पाई इसको थोड़ा सा मैं काम कर देता हूँ इसको मिटा देता हूँ ठीक है फिर मैं यहीं पे सॉल्व कर लूंगा मैंने यहां तक आपको बताया फॉर्मूला निकालना तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास टी इक्वल टू पाई एम अपॉन टू बी क्यू अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं सॉल्व करते हैं टी इक्वल टू पाई कितना होता है थ्री पॉइंट वन फोर मास देखिए वैसे तो वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेंट दि माइनस ट्वेंटी सेवन होता है उसने क्वेश्चन में वन पॉइंट सिक्स फाइव दे दिया तो वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेंट दावर माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू बी अच्छा मैंने वैल्यू भी मिटा दी सॉरी बी दिया था हंड्रेड मिली यानी कि 100 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री लो पूरा ही लिख दिया नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट 10 की पावर माइनस वन लिख सकता था 100 मिली टेस्ला क्यू चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिया हमको कुछ नहीं है वो वही रखेंगे 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन बस इसकी कैलकुलेशन करनी है बहुत जल्दी से और आंसर निकालना है तो देखिए टी इक्वल टू सबसे पहले थ्री और इंटू ऐसे ही रहने दिया मैंने देखिए नीचे पावर्स को सॉल्व करना टू इंटू वन पॉइंट सिक्स ये थ्री पॉइंट टू हो गया अब बाकी सारी पावर सॉल्व करते हैं देखिए टेन की पावर नीचे माइनस थ्री और माइनस नाइनटीन टेन की पावर माइनस ट्वेंटी टू ऊपर चले जाएगा टेन की पावर प्लस ट्वेंटी टू यहाँ टेन की पावर एक माइनस ट्वेंटी सेवन है तो बचा टेन की पावर माइनस फाइव ठीक बाकी और हमारे पास कुछ नहीं बचा अब इन दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझे मल्टीप्लाई करना है तीन दशमलव एक चार गुणा एक दशमलव छः पाँच जो मैं क्लास में मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों के लिए ओम पाँच जगो बीस ससे लगो दो पाँच एकम पाँच दो सात पाँच तीन पंद्रह छः चगो चौबीस छः एकम छः दो आठ छः तैन अठारह है ओम एक चगो चार एक एकम एक एक तीन तीन जीरो सात चार ग्यारह हंसे लगो एक आठ चार बारह पाँच सत्रह एक अठारह की आठ हंसे लगो एक आठ एक नौ एक दस एक ग्यारह तीन एक चार एक पाँच तो इसका जो हमारे पास एडिशन आ रहा है वो कुछ इतना मेरा आया ठीक है अब पॉइंट कहाँ लग रहा है ये देखिए फोर प्लेस फाइव पॉइंट वन एट वन जीरो तो कहीं पर ये गलत भी हो सकता है आप लोग उसको चेक कर सकते हैं तो ये मेरे पास आया टी इक्वल टू फाइव पॉइंट वन एट पीछे मैंने रहने दिया फाइव पॉइंट वन एट इंटू पावर माइनस फाइव थ्री पॉइंट टू ठीक तो इसको ज़रा सा हम सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग कितना आ रहा है अगर हम यहाँ से देखें इसको अगर हम इसकी वैल्यू को अगर हम चेक करना चाहें तो थ्री टू या सिक्स होता है तो वन पॉइंट समथिंग आ रही इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से वन पॉइंट सिक्स टू आएगा इंटू टेंट दावर माइनस फाइव लेकिन हो सकता है हमसे कहीं पे गलती हो रही हो क्योंकि अच्छा हाँ यहाँ गलती हुई नहीं यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई आप लोगों ने देखा होगा हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस थ्री था मैंने टू से वन पॉइंट सिक्स को थ्री पॉइंट टू करा पावर ले ली या हंड्रेड को छोड़ दिया तो हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस थ्री को मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस थ्री जो था इसको अगली लाइन में हम टेन की पावर माइनस अच्छा इसको तो ऐसे ही रह देते हैं टेन की पावर माइनस थ्री ये दोनों को टेन की पावर माइनस वन बचेगा ये टेन की पावर माइनस वन और टेन की पावर माइनस नाइनटीन टेन की पावर माइनस ट्वेंटी बनेगा वो माइनस ट्वेंटी सेवन वो ऊपर जाके टेन की पावर प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन तो टेन की पावर माइनस सेवन बचेगा ठीक है तो ये हो जाएगा टेन की पावर माइनस सेवन तो इसलिए ये देखिए फाइव पॉइंट वन एट को थ्री पॉइंट टू से तो कोई ऑप्शन और नहीं है ना आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करेंगे कितनी बार देखिए वन थ्री टू जा सिक्स होता है तो देखिए टू पॉइंट में ये लगभग सिक्स से ज़्यादा है नहीं ज़ीरो पॉइंट एट वन आएगा नहीं ये ऑप्शन होगा नहीं तो लगभग यही होगा इतना आपको वहाँ पे दिमाग से चलना होगा तो यहाँ पर जैसे मेरे से भी एक मल्ट गलतियाँ हो गई थी ऐसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती हैं अब गलती कहाँ पर हो जाती है एग्जाम हॉल में अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता वन पॉइंट सिक्स टू टेन माइनस फाइव सेकेंड तो देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमने